वजह से है। बहन आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि 26 तारीख को तो हम देखेंगे हर गली में रंग रहेगा, पर देवी टीएस के अंदर आपने 22 तारीख को रंग लिया है, ये बहुत अच्छा किया। क्योंकि हमारा क्या है कि एक तैयारी होती है, एक जागना होता है, तो आज से हम जाग गए। जब मेरे पास ये इन्विटेशन देने के लिए गई, मैं भी सोचती 22 को क्यों कर रही है, तो उन्होंने बताया कि हम तहसील बहुत भीड़ रहती है उस दिन, ना किसी को टाइम होता, सब अपने अपने व्रत वगैरह रखते, तो ये भी ठीक बात है, क्योंकि 26 तारीख को सभी का मोस्टली व्रत रहता है, और व्रत में कुछ बहनें बैठ पाती हैं, कुछ नहीं बैठ पाती। और देखो हमारे लिए तो घर बहुत सारे, हमें तो जाना ही होता, हमें पता नहीं लगता कब जाके चांद निकल जाता है, क्योंकि प्रोग्राम ही इतने होते हैं रियलिटी में कि हमें पता ही नहीं लगता चांद कब निकल गया, कब कान्हा ने जन्म ले लिया, घर जाके जब बच्चे इंतजार करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया, और आपको जन्माष्टमी की और सभी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इसमें अपना कीमती समय दे रही हैं। आप सब जो आज ये कीर्तन में बैठे हो, संगत में बैठे हो ना, अपना कीमती समय दे रहे हो, समय सबसे बड़ा कीमती है। हम कोई पूछते क्या कीमती है, हमारा समय कीमती है, और किसके लिए दे रहे हो, ठाकुर जी के लिए दे रहे हो, राधा रानी के लिए दे रहे हो, तो इससे बढ़िया और क्या, सोने पे सुहागा, तो ये सोने पे सुहागा आप 26 तारीख तक आपको लगातार करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबने मुझे बुलाया, याद किया, और बहनों का प्यार और भाइयों का प्यार मुझे मिला, इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी, और फिर से बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस पूरी राधा मंडली की टीम को बहुत ही अद्भुत बनाई है, आपकी मेहनत है, मैं उसको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, और हमारे आप सबको और हमें भी RWA को कर्नल गाबा हमारे पैट्रन है लाइफ टाइम, उनका हमें हमेशा सहयोग रहता है, ये जगह भी वो उपलब्ध कराते हैं, उनका भी बहुत बहुत बधाई, और बहन अनिता कंवर अपना टाइम निकाल के आई, उनको भी RWA की तरफ से बहुत बहुत एक बार सबको बहुत बहुत बधाई। भाई बहनों, स्पेशली जो आज मोदी जी भी कह रहे थे, युद्ध से नहीं निकलना, योग से निकलना है, और इस प्रोग्राम के पीछे हमारा जो कोर एफर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारी एक कोर टीम योग की टीम है, मैं उन 4-5 बहनों को जो हमारी कोर टीम है, इन्होंने इतना प्रयत्न किया कि कितनी बहनें योग के साथ जुड़ी, योग के साथ ये बड़े बड़े प्रोग्राम होने लग पड़े, और इतने बड़े प्रोग्राम यहाँ तक किए कि जब बहनों का जब कोई बर्थडे होता है तब कहते हैं हम नाना, जो शादी की शिलागिरी जो शादीला होती है, ताकि मियाँ जी को साथ लेके आ जाते, कहते हैं यहाँ पर मैं रहना है, तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, मैंने इन कोर टीम को कहा था कि आपने देवी टेस में 7 वार्ड है, 7 जगह हर वार्ड में आपका योग होना चाहिए, तो बड़ी खुशी की बात है, बहनों ने वार्ड में 4 जगह, रेंजी 4 जगह बहनों ने योग स्टार्ट कर दिया, और दूसरा टारगेट इनको दिया 15 सितंबर तक पूरे छत्तीसगढ़ सेशन में ये योग करेंगे, और इनको यहाँ पर आगे जो इन्होंने बहनों ने काम किया है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये हमारी मातृशक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। मैं तो यहाँ तक अपने सुखबीर जी से रिक्वेस्ट की है कि अगली RW में कम से कम, क्योंकि अगर उन्होंने हमें जगह नहीं दी होती तो आई थिंक हम आज के दिन भी अपने घर में अकेले अकेले बैठे होते।
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रे भगवान तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रे भगवान तेरी आरती करुण करु कष्ट हरु जान दो भगवान भरत फसी नाम मेरी तार दो भगवान करुणा करु कष्ट हरु जान दो भगवान भरत फसी नाम मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है गुणगान करे छेड़ दिया था करते हैं पुकार करते हैं पुकार सेवक मेरा कर दिया आरती आरती उतारूं ये भगवान तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति बहुत अच्छा लगा अपने अपना समझा था ये लोग आए और हमें बहुत खुशी हुई है ना ऐसे आइए मनोरंजन बनाते रहिए आपने बहुत अच्छा किया उसको कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने तुम लोग आए बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा तो आए मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार मैंने 9:30 बजे आई थी ड्यूटी पे बहुत खुशी हुई आए तूने बोला था 9 बजे हमारी जो शब्द था उनका मान लगा हमने बहुत खुशी हुई सच में ऐसे निभाते रहना ठीक है बाकी जो भी जैसा भी हुआ होगा उसके लिए क्षमा अरे किस लिए क्षमा बहुत अच्छा लगा और आप बुलाते रहिए और तुमने अपना समझा तो आए इतना अच्छा अपना नहीं समझा नहीं आए प्रोग्राम से घर आ गई हूँ घर आके चेंज वगैरह करा मैंने दिखाया आपको वहाँ का सारा कुछ शेयर करा आपके साथ मौज मस्ती और प्रोग्राम सारा कुछ जो जो मैंने आपको बोला था लाइव भी दिखाया था और मैं अपने व्लॉग में भी डाल रही हूँ तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आप सभी लोगों को मेरा प्रोग्राम कैसे लगा हमारी मेहनत कैसी लगी हमने मेहनत की थी दोस्तों बहुत ज़्यादा जो भी है तन मन धन से हम लगे हुए थे तो हमने मेहनत की थी तो हमारी मेहनत को खूब सारे कमेंट करके हमें खुश रखना करना तो बाकी मैं भी रेस्ट करती हूँ और कल मैं आपको मिलती हूँ एक नई उमंग नई तरंग और नई ताज के साथ प्लीज़ मेरे ब्लॉग को खूब लाइक करें शेयर करें जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्ण राधे राधे।